हेलो दोस्तों, मेरा नाम हैरी है। अपनी मंजिल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये अभी नया चैनल बनाया गया है, इसमें कोई भी सब्सक्राइबर कोई भी व्यूअर नहीं है, लेकिन मैं इसमें वीडियो डालूंगा जो आप लोग आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि दिमाग की कंसंट्रेशन क्षमता को कैसे बढ़ाते हैं, अपने दिमाग को पढ़ाई की तरफ कैसे डाइवर्ट करते हैं। तो आज आप इस वीडियो में यही देखेंगे। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि अपने दिमाग की कंसंट्रेशन क्षमता को कैसे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आ गई बारी सीखने की वो चार चीज़ें जिससे हमारे दिमाग की कंसंट्रेशन क्षमता बढ़ती है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा सबसे पहला क्या है कि यदि आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है और आप पढ़ने नहीं बैठ रहे हैं और ध्यान आपका केंद्रित नहीं हो रहा, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको ड्राइंग बनाना आता है तो आप सबसे पहले ड्राइंग बनाना सीखिए। पढ़ने से पहले आप ड्राइंग बनाइए, अगर यदि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो। ड्राइंग एक ऐसी चीज़ है, जब आप इसको बनाएंगे तो आपका जो दिमाग है पूरी तरह से इस पे केंद्रित रहेगा और आप अच्छे से ड्राइंग बनाएंगे तो आपके दिमाग की जो क्षमता है, केंद्रित क्षमता, वो काफ़ी टाइम तक केंद्रित रहेगी, जिससे हमारे दिमाग की क्षमताएं क्या बढ़ेंगी। जब हमारा दिमाग काफ़ी टाइम तक केंद्रित रहेगा तो जाहिर सी बात है हमारे दिमाग की क्षमता बढ़ेगी और धीरे धीरे हमें पढ़ने का मन भी करेगा, आदत बनेगी बैठने की, पढ़ने की। जब हम बैठ के ड्राइंग बनाएंगे उसी तरीके से हमारा पढ़ने का भी मन कहेगा। तो इसलिए ड्राइंग सबसे अच्छा ऑप्शन है, आप ड्राइंग भी कर सकते हैं, ड्राइंग में सबको इंटरेस्ट होता है इसलिए आप ड्राइंग कर सकते हैं। नंबर दो, अगर यदि आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप मैथ लगा सकते हैं। अब यदि आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे इजी लेवल के क्वेश्चन को 6 7 8 की बुक लेके आप उस सबसे पहले उसको पढ़ सकते हैं और वहाँ के जो इजी क्वेश्चंस हैं, आसान क्वेश्चंस हैं, उसको आप लगा सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप क्या करेंगे, कठिन क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब मैथ आप लगाएंगे तो हमारे अंदर एक इंटरेस्ट आएगा, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो धीरे धीरे हम कठिन क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। तो क्या होता है कि हम काफ़ी टाइम तक बैठ के पढ़ पाते हैं जब हमारा इंटरेस्ट इसमें आने लगता है। तो जो मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसमें लगाने से हमारे दिमाग की क्षमता भी बढ़ती है और दिमाग तेज़ भी होता है, तो हमें मैथ लगाना बहुत बेहद ज़रूरी है। या दूसरा ऑप्शन आपका मैथ हो सकता है, पहला ऑप्शन ड्राइंग है, तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप सभी लोगों के पास अखबार होगा या फिर आपके घर अखबार आता होगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर, हिंदी वाला अगर यदि न्यूज़पेपर आता है तो भी ठीक है, इंग्लिश वाला आता है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यदि आपके घर हिंदी वाला आता है तो आप न्यूज़पेपर का कोई भी एक पेज चुन लीजिए और उसमें उस पूरे न्यूज़पेपर में कोई एक अक्षर ले लीजिए। जैसे कि अगर आप न्यूज़पेपर में कोई एक अक्षर क ले लेते हैं, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक पूरे अखबार में आप क ढूंढिए कि कहाँ है, उसको गोला कीजिए, आप ऐसे एक भी छूटने ना पाए, आप पूरे पेज में पेज को लेके पूरा जहाँ भी क दिखे वहाँ पे आप गोला कीजिए। उसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट पेज पे आप कीजिए, दो पेज आप कर सकते हैं 2 पेज तक, तो आप ध्यान देखेंगे कि वहाँ आपका पूरी तरह से ध्यान लगा हुआ है उस पे कि जहाँ भी कॉ दिखेगा वहाँ पे हम गोला खींचेंगे, एक भी छूटने ना पाए, तो आपका ध्यान वहाँ क्या रहेगा, पूरी तरह से केंद्रित रहेगा। तो तीसरा ऑप्शन आप ये ले सकते हैं। चौथा ऑप्शन एक और है, आपका दिमाग अगर कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है आपके पास, तो एक और ऑप्शन आप गेम खेल सकते हैं। गेम में सबको इंटरेस्ट है तो आप गेम खेल सकते हैं। तो गेम खेलने में हम देखते हैं कि जब हम गेम खेलते हैं तो हम काफ़ी टाइम तक क्या करते हैं कि अपने दिमाग की कंसंट्रेशन क्षमता को रोक पाते हैं और हम गेम खेल पाते हैं। गेम में सबको इंटरेस्ट होता है तो हम गेम खेल पाते हैं, ठीक है। तो गेम काफ़ी टाइम तक खेलेंगे तो हमारा दिमाग काफ़ी टाइम तक केंद्रित रहेगा, जिससे हमारे दिमाग का जो केंद्रित क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो हम चौथा ऑप्शन ये कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ये सारे काम जो है आपको लिमिट में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप ड्राइंग बना रहे हैं तो ड्राइंग ही बनाते रहेंगे, मैथ लगा रहे हैं तो मैथ ही लगाते रहेंगे, या फिर न्यूज़पेपर गोला कर रहे हैं तो उसको गोला करते रहेंगे, या गेम खेलेंगे गेम नहीं, ये आप 1 घंटे कर सकते हैं, 40 से 45 मिनट, इतना करने के बाद जस्ट आप पढ़ने के लिए बैठ सकते हैं। ये बस इतना है कि आपके दिमाग की जो कॉन्सेंट्रेशन क्षमता है, आपका दिमाग इधर उधर चला जाता है, आपका पढ़ने का मन नहीं करता, तो ये पढ़ने बैठने का एक जरिया है। आप ऐसा करेंगे तो आप कम से कम बैठ पाएंगे और आप पढ़ पाएंगे, आप कॉपी बुक उठा के बैठ पाएंगे। तो उसी तरीके से जैसे ड्राइंग आपने बनाया, उसके बाद तुरंत बाद थोड़ी टाइम बाद आप फिर कोई बुक्स लेके आप फिर पढ़ने लगिए,
तो आपका यहाँ पढ़ने का मन नहीं था, वहाँ आपने ड्राइंग बनाया कम से कम बैठा, तो उसके बाद आप तुरंत पढ़ने लगी है, तो इससे क्या होगा, हमारा मन लगने लगेगा पढ़ाई में। ये चारों ऑप्शन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो इन चारों ऑप्शन में आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, तो आप ये ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। तो आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी नए वीडियो, अच्छे वीडियो मैं आपको इस चैनल में दे सकता हूँ, अपनी मंजिल चैनल में। इस चैनल का नाम है अपनी मंजिल, जिसमें मैं बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लाऊँगा और आपके सामने, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। धन्यवाद।